ठीक है ठीक ठीक मैं लेता आऊंगा, ठीक है ओके। ए सोहन फोन रख, फोन रख। अरे कल गणेश चतुर्थी है और तू पूरा दिन फोन पे लगा है, काम कैसे पूरा होगा? अरे तेरे घर वालों को ऐसे क्या कमी पड़ गई है कि बार बार फोन कर रहे? काकी जिसके लिए कमाता है उसका हालचाल लेना जरूरी है ना, अब बताओ इसमें क्या गलती है मेरी? नमस्कार काकी। तू फिर आ गया यहाँ पे, तुझे बोला था ना यहाँ नहीं आने का। काकी रोहित किधर है? जहाँ भी है अच्छा है, और वो तेरे साथ नहीं है इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो उसको दोस्त से दूर रखती हो काकी, देखना पाप लगेगा। मुझे क्यों पाप लगेगा? पाप तो तुझे लगेगा, गलत काम तो तू करता है गुड्डू। अरे अब तो सुधर जा, क्यों ये सब गलत काम करते फिरता रहता है? काकी कितना तो सुधर गया हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा है क्या? बता रोहित से क्यों मिलना चाहता है? मुझे ना काकी रोहित की हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प चाहिए? वो तो मैं उसको ही बताऊंगा। इसका मतलब तू सुधरा ही नहीं है, चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से नहीं तो बहुत पीटेगा। काकी मैं सोच रहा हूँ तुम्हें ना एक बनारसी साड़ी गिफ्ट करूँ। मुझे मस्का मार रहा है, मुझे मस्का मार रहा है तू, निकल यहाँ से नहीं तो दो चढ़ा के दूंगी ना। मारना है तो मार लो काकी, मैं भी आज रोहित से मिल के ही जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा बस। अरे ये तो सुनता ही नहीं है, चल उठ उठ निकल यहाँ से। ये ना वो बोला ना नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा बस। अरे हाँ यही है, चल निकल। अरे चल उठ निकल यहाँ से, रोहित नहीं है। ठीक है काकी अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा दोस्त आया ना तो उसको बोल देना कि मैं वेट कर रहा हूँ उसका। चल निकल। हाँ बेटे मोनिका मुंह खोलो। मैं क्यों पापा जी? अरे मुंह खोलो ना। गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू पापा जी, और आपको भी। भाई साहब गणेश जी के आने से घर में कितनी रौनक आ गई। आपको और प्यारी बिटिया मोनिका को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी चाचा जी गणपति चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन मेरे लिए खास दिन हो गया है, आज गणपति बप्पा हमारे घर आए हैं और दूसरी तरफ मेरी प्यारी बिटिया मोनिका का 23वां जन्मदिन है। भाई साहब आज का दिन बहुत ही शुभ है, एक साथ दो दो खुशियां। चाचा जी फिर तो सरप्राइज भी होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल है ना, लेकिन उसके लिए तुम्हें घर से बाहर चलना होगा। तो फिर शुभकामना में देरी कैसी, चलिए ना। हाँ हाँ जल्दी चलो बेटा आ जाओ। चलो बेटा चलो बाहर चलकर देखते हैं। आपको और मुझे सब कुछ बाहर चल के ही देखना पड़ता है, और मोनिका की कोई बात हो तो पापा और ताया जी कुछ बताते भी नहीं। वो सब छोड़ो अभी बाहर चलो, चलो बताइए ना पापा। आओ ना बेटा आओ तो। मेरा बर्थडे गिफ्ट। कार्ड पापा। हाँ बेटा। बेटा ये रहा तुम्हारा छोटा सा बर्थडे गिफ्ट। छोटा नहीं पापा जी, ये तो आपका ढेर सारा प्यार है। थैंक यू सो मच। और हम सब भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अरे ये तो बताओ बर्थडे गिफ्ट पसंद आया कि नहीं? ऑफ कोर्स चाचू बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा है। अरे भाई तुम दोनों को कार पसंद आई कि नहीं? हाँ भाई साहब अच्छा लगा ना, बहुत अच्छी कार है। अब आज मोनिका का बर्थडे है, हमारी लाडली है मोनिका, तो उसके बर्थडे पे एक कार नहीं देते तो और क्या देते। हैप्पी बर्थडे मोनिका। थैंक यू सो मच विनय भैया। ये सब क्या है मॉम, सब कुछ उसे ही दे दोगे तो मेरे लिए क्या बचेगा? चुप रहो और यहाँ ऐसे मुंह बना के मत खड़े रहो। कुछ दिनों में मोनिका शादी करके घर जाने वाली है ना, ज्यादा गुस्सा आए तो उसकी एंगेजमेंट रिंग देख लेना ठीक है? हेलो
तुम? अच्छा वो रेडी हो गया? ठीक है मैं पहुंचता हूँ। हाँ मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। हाँ ठीक है। क्या हुआ भाई साहब, आप टेंशन में लग रहे हैं? हाँ हाँ सब ठीक है, सब ठीक। कहाँ जा रहे हैं पापा? बेटा मुझे एक जरूरी काम से जाना है, शाम तक आ जाऊंगा। लेकिन भाई साहब शाम को तो मोनिका का मंगेतर आने वाला है, आप नहीं रहेंगे तो कैसा लगेगा? अरे नील के आने से पहले मैं आ जाऊंगा भाई। वो आदमी कैसा है? खतरे में है, वैसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे बचाने की, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लोगों को कुछ पूछताछ करनी हो तो कर लीजिए। सर कुल्हाड़ी जैसी किसी चीज से वार किया गया है। इसके गले पे भी रस्सी का निशान है, लगता है गला घोटने की भी कोशिश की गई है। क्या क्या कहना चाहते हो? वो उन्हें भी मार देगा। मार देगा? कौन कौन मार देगा? कौन कौन है? अरे डॉक्टर साहब देखिए जरा, नर्स इंजेक्शन रेडी करो जल्दी। He's no more. कौन कौन लेके कौन आया था इसको यहाँ पे? वो आदमी बाहर बैठा है सर, यही लेकर आया था उस पेशेंट को। ये विक्टिम के कपड़े कहाँ हैं? वो नर्स ने संभाल के रखे। ठीक है पंकज देख लो जरा। आप लेके आए थे इस आदमी को? जी। ये आदमी अभी बचा नहीं, मर गया है। मर गया? हे भगवान। आप जानते हैं कौन था वो आदमी? नहीं नहीं, वो एक्चुअली उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे लगा कि उसकी सहायता करनी चाहिए, तो मैं इसलिए उसको यहाँ पर ले आया। और ये देखिए उसको लाने के चक्कर में मेरे कपड़े भी खराब हो गए। बहुत अच्छा काम किया आपने। एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं देखनी वो स्टूपिड मूवी। अगर तुमने वो टिकट ली ना, सीरियसली मैं तुम्हें डम कर दूंगी। अरे बस पहलवान से ना शादी कर लूंगी। मैडम देखनी, देखिए ना मुझे किसी स्टूपिड मूवी दिखाने के लिए बोल रहा है। स्टूपिड मूवी मत देखिए, आप एक काम करिए, मुझे मेरा काम करना है। ये आईसीयू में जो पेशेंट है ना, इनके कपड़े मुझे दे दीजिए प्लीज। आपके बॉयफ्रेंड के लिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। हाँ, हाँ, सच्ची सच्ची सच्ची। थैंक यू वेरी मच सर। सर ये विक्टिम के कपड़े और ये आईडी मिला है सर। दिनेश कुमार कुमार नगर में रहता, रेड प्लस हॉस्पिटल में अटेंडेंट था। ये कहाँ कहाँ मिला, कहाँ था तुमको ये? सर दावेरी रोड पर, वो कुसमी जंगल की तरफ है ना, वहाँ। और ये काला काला जो शर्ट पे लगा है, क्या ये कैसे लगा? सर वो जला हुआ था ना, उसी का कुछ लग गया हुआ। सर ये कैसे हो सकता है, उसके बॉडी पे तो जलने का कोई निशान नहीं है। हाँ सर मैंने भी बर्न इंजरीज तो कहीं नहीं देखी। सर लेकिन जला हुआ था और धुआं भी निकल रहा था। अच्छा वो जगह दिखाओ जहाँ पे मिला था तुम्हें। नील हम तुम्हें यहाँ खाना बनाने के लिए नहीं बुलाते हैं, इस घर के होने वाले एक लौते दामाद हो तुम, क्या कर रहे हो ये सब? अब शादी के बाद जब नौकर छुट्टी पर चले जाएंगे तो खाना तो मुझे ही पकाना होगा ना।
वेरी फनी। चाचा जी बोलो बेटा। वो पापा नहीं आए अभी तक। बेटा मैं उन्हीं का नंबर ट्राई कर रहा हूँ, लग नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। भाई साहब बिना यूं ही डराते रहते हैं, एक तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, ऊपर से चले गए अकेले। भगवान ना करे ताया जी को कुछ हो गया तो। भैया प्लीज ये सब मत बोलिए। पापा जी। भैया। पापा जी ये सब ये क्या हुआ आपको? हाँ हाँ भैया आप ठीक तो है ना? आराम से भैया संभल के। सादा चोट लगी आपको? हाँ भाई साहब ये क्या? ताया जी यहाँ बैठिए। अब तुम यहाँ तमाशा क्या देख रही हो? जल्दी जाके भैया के लिए पानी ले आओ। हाँ हाँ ला रही हूँ मैं। मैं डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। बेटा मुझे ज्यादा नहीं लगी है, बस थोड़ी यहाँ पर खरोंच चाहिए, पाँव में मोच आ गई और थोड़ी हाथ पे लगी है, लेकिन बेटा आज मैं बाल बाल बच गया और मुझे इस लड़के ने बचाया बेटा। लीजिए भाई साहब पानी पी लीजिए। पापा जी लेकिन आप गए कहाँ थे? बेटा ये तुम्हारी शादी के गिफ्ट है, यही लेने गया था मैं। उठाओ देखो। पापा जी मेरी शादी की ज्वेलरी। थैंक यू सो मच पापा जी। अब आइए खाना खाते हैं, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। हाँ बेटा और अगली बार तुम खाना उस दिन बनाओगे जिस दिन मैं तुम्हारी और अपनी मोनिका बिटिया की शादी की डेट अनाउंस करूंगा, गणपति विसर्जन के दिन। सर यही है वो कार, और जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो इस कार में आग तो बुझ चुकी थी लेकिन धुआं निकल रहा था, और फिर मैं अपनी गाड़ी से उतरा और आके मैंने जैसे देखा कि गाड़ी की डिक्की में लाश। उन्हीं ने दिनेश को मारने के बाद डिक्की में रख के कार में आग लगा दी, लेकिन किसी वजह से कार पूरी जली नहीं तो यहाँ तो बच गया था बेचारा। लगता है इसी कुल्हाड़ी से उसके सिर पे वार किया गया था। वंश सर देखो कुछ फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिलते हैं क्या? सर नंबर प्लेट गायब है। आगे देखो पंकज इसके अंदर अच्छी तरीके से चेक कर लो, फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिले तो उठा लो। डैशबोर्ड वगैरह सब खाली है, लगता है खूनी ने आग लगाने से पहले साफ सफाई भी की है। आप और भी सर आगे नंबर प्लेट है मगर नंबर मिटाने की कोशिश की। XTP 329 आरटीओ से पता करो किसका नंबर है। सर हाँ सर फिंगरप्रिंट्स मिले और शायद एक से ज्यादा के हो सकते हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से उठा दो सबको,
सर। सर ये कार पवन दासन कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। पवन दास कंपनी। XTB 329 व्हाइट कलर की टिप्सी कार आपकी है? जी मेरी कार है। क्या हुआ क्या? खून। क्या खून? जी हाँ। कौन चलाता है इस कार? जी वो गाड़ी मेरी कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है, कंपनी का गैरेज में खड़ी रहती है, जिसे जरूरत होती है ले जाता है। सर किसका खून हुआ है? इस आदमी का, ये आपकी गाड़ी में था। ये मेरी कार में मिला? जी हाँ, ये आदमी आपकी गाड़ी की डिक्की में मिला है, यहाँ से 75 किलोमीटर दूर किसी जंगल के अंदर। गाड़ी आधी जली हुई थी और ये आदमी खून से लथपथ अधमरी हालत में था। कौन ये आदमी? सर मैं तो नहीं जानता इसे। आप लोग जानते हैं? नहीं सर। चलिए आप लोग इस आदमी को नहीं जानते लेकिन अपनी गाड़ी को तो जानते हैं। गाड़ी कंपनी के गैराज से निकलकर जंगल तक कैसे पहुंच गई? सर पता नहीं। डैड कहीं मोनिका ने तो? बने चुप बैठो। एक मिनट, मोनिका कौन है? मेरी प्यारी भतीजी और भाई साहब की लाडली बेटी। बोलिए उसे जरा पूछताछ करनी है। जी वो गहरी नींद में सो रही है, डिस्टर्ब हो जाएगी सर। हम उसी से पूछ लेते हैं। लेकिन सर मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती सर। जल्दी बुलाइए, वरना जगाना उठाना बैठाना सब आता है। हम बुलाइए। हाँ हाँ मैं अभी उठा कर लाती हूँ, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ अभी आती हूँ। मोनिका, मोनिका, हाँ मोनिका, हे भगवान मोनिका नहीं है कमरे में? नहीं है सर। सर मोनिका नहीं है। नहीं है? मोनिका, मोनिका कहाँ चली गई? देखिए उसका सामान और कपड़े भी नहीं है, और देखिए सेफ भी खाली है, सब कुछ लेकर भाग गई। आप तो कह रहे थे वो कमरे में सो रही है, क्या चक्कर है ये? हाय हम बर्बाद हो गए, लुट गए हम, कुछ भी नहीं छोड़ा है उसने। टाटा भाई साहब। डैड मॉम ठीक कह रही है, ये देखिए मोनिका अपनी एंगेजमेंट के रिंग यहाँ छोड़ गई है। वो ताया जी उसकी शादी के डेट अनाउंस करने वाले थे ना, इसीलिए भाग गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम, वो भागेगी क्यों? वो नील के साथ कितनी खुश थी। आप लोग जरा बाहर उधर खड़े हुए, हम देखते हैं वो भागी है कि क्या बात है। आइए इधर आइए। आइए भाई साहब। कपड़े गहने सब गायब है लेकिन बिस्तर बिल्कुल साफ सुथरा है, ऐसा लगता है यहाँ पे कोई सोया ही नहीं था। कमरा चेक कर लो, देखो कोई बाहर का आदमी तो नहीं आया, फिंगरप्रिंट्स मिले तो उठा लो। सर ये दवाइयाँ? सर ये इंसुलिन है, वो मोनिका को डायबिटीज है ना, वो इंसुलिन लेती है, उसके बिना वो खाना नहीं खा सकते सर। इंसुलिन? कपड़े गहने जूते सब ले जाना याद रहा उसे, और जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो ले जाना भूल गई। कुछ अजीब नहीं लगता आपको? सर बच्ची है, भूल गई होगी। भूल गई? आप जरा ब्यूरो चलिए। पवन दास जी वो कार आपकी कंपनी के नाम है, उस कार को आपके घर वाले इस्तेमाल करते हैं, और सारे के सारे घर वाले घर में मौजूद थे, तो आपको पता कैसे नहीं चला कि मोनिका कार लेकर निकल गई? नहीं सर मोनिका कार लेकर नहीं गई होगी सर। आपने कार को बाहर जाते हुए देखा है? नहीं। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि कार लेकर नहीं गई? सर हो सकता है कि मोनिका कार लेके गई, दिनेश को मारा और भाग गई। नहीं सर नहीं, मोनिका किसी दिनेश विनेश को नहीं जानती थी सर। हो सकता है आप जानते हो, आपका कुछ लेना देना हो दिनेश के साथ, इसलिए मोनिका से खून करवा दिया ताकि किसी को आप पे शक ना हो। अभिजीत। हाँ डॉक्टर। अभिजीत सर ऐसे देखो गौर से,
फिंगरप्रिंट्स के पास। दिनेश के खूनियों के उंगलियों के निशान आपको मोनिका के कमरे में भी मिले। एग्जैक्टली, जो तीन सेट ऑफ फिंगरप्रिंट्स हमें कार की डिक्की में मिले थे वही फिंगरप्रिंट्स हमें मोनिका के कमरे में मिले। मतलब दिनेश के खून में मोनिका का हाथ नहीं है पर दिनेश के खूनियों का हाथ है मोनिका को गायब करने में। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके, पवन दास जी, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मोनिका के कमरे में कुछ उंगलियों के निशान मिले हैं जो किन्हीं तीन अजनबी लोगों के हैं। शायद उन लोगों ने मोनिका को किडनैप किया है। सर, मेरी बच्ची को बचा लीजिए सर, प्लीज। देखिए, हम कोशिश करते हैं। एक तो फोन भी उसका आपके घर पे है और किसी ने उसे जाते हुए देखा भी नहीं है। आप जरा मोनिका के दोस्तों का नंबर दीजिए, शायद उनसे कुछ पता चल जाए। अच्छा ठीक है, ओके थैंक्स। सर, मैंने मोनिका के दोस्त से पूछताछ की, किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। सर, अब इस मोनिका के बारे में पता कैसे चलेगा? वो ज्वेलरी पवनदास जी के घर से गायब हुई है, उसे लुटेरे बेचने तो जरूर जाएंगे। अगर वो हमारे हाथ आ गए ना तो मोनिका का भी पता चल जाएगा। पवनदास जी, उन ज्वेलरी की कोई पहचान है आपके पास? हाँ सर, मेरे मोबाइल में फोटो है। वेरी गुड, रेडी। वो फोटो ले लो और दया को सेंड करो और उसको बोलो कि खबरियों का काम पे लगा दें। यस सर। हाँ मंच। हाँ, क्या बताया दिनेश के पड़ोसी ने? क्या उसके बारे में कोई उर्मी काकी बता सकती है? काकी, आप मेरा इधर ही हिसाब करके ना एडवांस एडवांस काट के मेरा पैसा मुझे दे दो। क्यों रे, तेरा पैसा लेके भाग रही है मैं? अच्छा एक काम कर, ये 500 रुपया रख और कल घर पे आके हिसाब कर ले। हाँ उर्मी काकी। अरे वाह, मैं तो बहुत फेमस हो गई। एक्चुअली हम लोग CID से हैं, आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। पूछिए ना सर। काकी, इसे पहचानती हैं आप? ये गुंडा मवाली बदमाश, कुछ गड़बड़ किया है क्या इसने? एक्चुअली ये मर चुका है। गुड्डू मर चुका है? गुड्डू? पर इसका नाम तो आईडी पे दिनेश लिखा हुआ है। हाँ दिनेश ही है, पर हम लोग इसे गुड्डू बुलाते हैं। ये सब कैसे हुआ? कल सुबह हमें ये जख्मी हालत में जंगल में मिला था, लेकिन कुछ देर बाद हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। जरूर किसी ने मार डाला होगा। मैंने कितनी बार समझाया था कि ये गलत धंधे छोड़ दे, जो भी कर रहा है सही तरीके से कर, पर मेरी बात क्यों सुनेगा? देखा कितनी कम उम्र में मर गया। कुछ पता चला किसने मारा होगा इसे? हाँ वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। क्या क्या गलत काम करता था ये आपको मालूम है? वो तो नहीं मालूम, पर वो मेरे बेटे रोहित से कहता था कि बहुत जल्द वो पैसे वाला बनने वाला है। अच्छा, ये आपके बेटे से बात कर सकते हैं? रोहित से कहाँ मिलेगा वो? वो अपने दोस्तों के साथ है अभी, वो शगुन नगर के गणपति पंडाल में। सर वो रहा रोहित। सुनो रोहित। जी सर। हम लोग CID से हैं। एक मिनट। हाँ छोटू बैठ, मैं आता हूँ। ठीक है। तुम्हारा जो दोस्त था गुड्डू, हाँ, उसके बारे में थोड़ी बातचीत करनी थी। क्यों, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ किया उसने? नहीं, एक्चुअली गुड्डू का खून हो गया है। क्या? हे देवा, ये क्या हो गया? उसी के खून के बारे में पूछताछ करने आए। सुना है गुड्डू बहुत जल्द अमीर बनने वाला था? हाँ सर, उसने ऐसा कहा था, पर उसके बारे में मुझे कुछ बताया नहीं उसने। देखो रोहित, तुम यहाँ भगवान की सेवा जैसा अच्छा काम कर रहे हो, अगर तुम सच बोलोगे तो किसी की जान बच सकती है। क्या मतलब? मतलब मरने से पहले गुड्डू ने हॉस्पिटल में बताया था कि वो उसे मार डालेगा। कौन कौन किसे मार डालेगा, तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं सर, गुड्डू तो उसके दोस्त की हेल्प करने वाला था और बहुत पैसे वाली लड़की को भगाने वाला था उसका दोस्त।
वो दोस्त कौन था? मैंने उसको बहुत बार पूछा पर उसने, मैंने बोला कि कौन दोस्त है, कौन लड़की है, पर वो कुछ भी नहीं बोला। कब भागने का प्लान कब था? ये गणेश चतुर्थी के तीसरे दिन, और वो लड़की अपने घर से भाग के गुड्डू के दोस्त के घर के पास से भीड़ वाली जगह से वो लोग मिलके भागने वाले थे। भीड़ वाली जगह पे? अच्छा यार, कुछ तो बताओ, कौन दोस्त है, कोई दिमाग में आ रहा है? आई शपथ सर, मुझे कुछ भी नहीं मालूम सर। ये जो तुम्हारे दोस्त लोग हैं उनमें से तो नहीं है कोई? नहीं नहीं सर, ये तो मेरे दोस्त लोग हैं, और उनका गुड्डू से क्या लेना देना है सर। अच्छा सर, फिर कौन हो सकता है गुड्डू का दोस्त? जो भी है उसकी जान खतरे में है। वो रेड हॉस्पिटल जहाँ पे गुड्डू काम करता था, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। सर फोन बंद करके बैठा है, सुबह धोबी घाट में दिखा था, बाद में कहीं पान बेच रहा था, अभी कुछ पता नहीं। शॉल ले लो, शॉल शॉल ले लो, शॉल सस्ता बढ़िया शॉल, शॉल ले लो, शॉल। आप शॉल ले लीजिए, दाम कम कर दूंगा, देखिए कितने बढ़िया डिजाइन। इस मौसम में शॉल बेच रहे हो जी? तो हमारे काम की होगी जतन। क्या खबर है साहब? खबर तो सुबह ही लग गई थी, धोबी घाट पर मार्केट में एक नया सेठ ने एंट्री मारा है, उसने 25 लाख का माल अंदर किया है सुबह सुबह। माल चोरी का? 100% साहब। नाम क्या सेठ का? दामोदर सेठ। साहब साहब मार करे। ये गहने तुम्हारे पास? हाँ साहब मेरे पास है। चल देखा। जहान है तो जहान है। साहब साहब यही वो गहने हैं, साहब माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। अच्छा है, बहुत जल्दी समझ गए, नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलता चोर बाजारी के धंधे में, समझे? सर यही पवन दास के गाय हुए गहने हैं। किससे खरीदे तुमने ये गहने? साहब रंगा से। उसका पता ठिकाना फोन नंबर सब बता। साहब पता ठिकाना तो नहीं मालूम, उसने अपना मोबाइल नंबर दिया है, उसका कुछ रुपया देना बाकी है। ठीक है, उसे फोन करके बोलो कि पैसों का इंतजाम हो गया, आके ले जाए। ले ले ले। मैडम कुछ बात करने की आपसे। क्या है, किसी को एडमिट करना है क्या? अरे एडमिट नहीं करने का, किसी को मिलने का है। कोई पेशेंट एडमिट है, नाम बोलो। अरे मैडम भर्ती वर्ती नहीं करने का, इधर टाइम नहीं अपने पास, अपने को इधर गुड्डू के फ्रेंड से मिलने का है। कौन गुड्डू? अरे गुड्डू वो दिनेश, वो कुंवर नगर में रहता था ना, मेरे बचपन का फ्रेंड है वो, उसने अपने दोस्त के लिए कुछ सामान दिया, उसको वो देने का है। अरे लेकिन वो तो मर गया ना रे। अरे इसलिए तो मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। उसका कोई दोस्त नहीं है इधर। क्या उसका कोई भी दोस्त नहीं है? मतलब ये 5 लाख रुपए मेरे भाई साहब। इधर आओ। क्या हुआ? ये पैसा किसका है? इससे तुमको क्या मतलब? ये पैसा है ना, ये मेरा दोस्त गुड्डू, वो इधर काम करता था, रेड प्लस हॉस्पिटल में अटेंडेंट था, उसने मुझे देने को बोला था अपने फ्रेंड को, जिसका नाम वो बता रहा था, लेकिन उसके पहले वो ऑफ हो गया। अरे तो ऐसा बोलो ना कि तुम वो गुड्डू का बात कर रहे हो। रीटा, रीटा नाम बोलने वाला था वो, लेकिन नाम बोलने से पहले बेचार चला गया, जाते जाते मेरे लिए पैसा छोड़ के गया। आप ये मेरे को दे दो। एक मिनट, तू उसकी फ्रेंड है क्या? हाँ मैं उसकी फ्रेंड हूँ रीटा। सच बोल रही है? एकदम सच्ची। आई शपथ, दे दो मुझे। एक मिनट, ऐसा कैसा दे दूँ पैसा? 5 लाख रुपए मजाक है क्या? नहीं मुझे दे दो। तो आप ही हैं गुड्डू की दोस्त, फिर तो चलिए आपको जरा CID ब्यूरो की हवा खिलाते हैं। आप CID?
ये गुड्डू के साथ मिलकर वो लड़की भगाने का आइडिया सर इन्हीं का था ना? तुम भी सीआईडी? कहाँ है लड़की? मुझे नहीं मालूम। लिस्ट बनानी पड़ेगी सर, इसके ऊपर कौन कौन से केस चलाने और कौन कौन सी धाराएं मारनी है। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैंने तो वो पैसे की लालच में आके झूठ बोली थी। मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं गुड्डू की दोस्त नहीं, मैं नहीं जानती किसी को। तो फिर कौन है गुड्डू का दोस्त? मुझे नहीं पता। ए, ड्रामा नहीं, कौन है दोस्त? वो गुंडा मवाली संदीप, वही है उसका दोस्त। संदीप? अभी कहाँ मिलेगा वो? अरे दामोदर सेठ, दो पैसे। इसमें आधे पीसेस तो नकली हैं। तांबे और चांदी के गहनों पे सोने का पानी चढ़ा है, कैसे तुझे रुपये दूं? क्या गहने नकली हैं? अरे मैं क्या तेरे हर मजाक कर रहा हूँ, उल्टा 15 लाख मेरे वापस दे। बॉस को बताना पड़ेगा, और तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। हाँ हाँ जल्दी कर। गुड, ठीक बोला साहब, जैसा आपने बोला था ठीक वैसा ही मैंने बोला। चलो देखते हैं रंगा और उसका बॉस इनका ठिकाना कहाँ है। और दामोदर जी, आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे हा? अगर आपने किसी को कुछ बोला तो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। जी नहीं खोलूंगा। बस धोखा हुआ है हमारे साथ। दामोदर ने बोला कि सारे गहने नकली हैं और उसने सारा माल लौटा दिया। धोखा? मेरे साथ धोखा किया उसने। वो भूल गया कि मोनिका अभी हमारे कब्जे में है। क्या सेठ, तुमने तो कहा था ये गहने मोनिका को गायब करने की हमारी फीस है, उसमें तो आधे नकली हैं। अच्छा हाँ ठीक है, वो कह रहा है कि सारे गहने असली है और वो जो सुना रहा है वो झूठ बोल रहा है, उसको पकड़ो और गोली मार दो उसको। चलो कहाँ जा रहे हो, बहुत जल्दी में हो। तू कौन है बे पूछने वाला? बैग दे। अब बोल मोनिका कहाँ है? उसको कोई अभी बाहर लेकर गया। कौन और कहां? आदे, हम भी उसी मॉल में ही हैं। ओके ओके यार, किडनैपर्स का फोन यहीं पे ट्रेस हुआ है, मतलब मोनिका भी यहीं होगी, वो संदीप भी, क्योंकि इसके घर से 5 मिनट से दूरी पे यही एक जगह है जो भीड़ भाड़ वाली है। चेक करो आसपास। ये ले, फोन पकड़, संदीप को फोन करके यहां पे बुला ले। पकड़, मैं तेरे काम का सामान लेके आ रही हूं, समझी ना? और याद रख, अगर तूने यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो निशाने पर तू होगी। हाँ हेलो। हेलो। हाँ मोनिका, कहाँ तुम? मैं
जहाँ एस्केलेटर बंद है वहाँ खड़ी हूँ। अच्छा अच्छा मैं आ रहा हूँ बस। ये ले। उसे जिंदा मत छोड़ना। ले पकड़। सर मेरी बेटी को कुछ होगा तो नहीं ना? रिलैक्स पवन जी, कुछ नहीं हो। एक्सक्यूज मी जी, इस आदमी को देखा है आसपास? नहीं नहीं। निखिल तुम इन लोगों के साथ रहो, चलो। मोनिका तुम आ गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था, पता है कितनी कॉल्स किए मैंने तुम्हें। अच्छा लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम घर से कब निकली। श्रेया जरा आसपास लोगों को फोटो दिखा के पूछो। आपने इन दोनों में से किसी को देखा है? आपने इन दोनों को कहीं देखा है? मोनिका ये क्या है? अब तुम्हें मरना होगा। लेकिन क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मोनिका मेरी बात सुनो, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? ये मार क्यों नहीं रही है? कंफ्यूजन हो गई, मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है? कहाँ भाग रही है? बेटा, मोनिका, बेटा तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? पापा जी, ये सब किसने किया बेटा? ये सब आपके भाई साहब ने किया है, संजीव जी ने। भैया भैया ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ, मैंने ही किया है ये सब। क्यों किया? क्योंकि मोनिका ने जो भी किया और जो वो करने वाली थी उसके लिए तो कोई भी सजा कम है। भैया ने एक अनाथ लड़की को अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले आए और हमने हमने उसे सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया। भैया ने अपनी सारी जायदाद मोनिका के नाम लिख दी, लेकिन इसने इस एहसान फरामोश ने एक सरद छाप के प्यार बहकर भैया को ही मारने का प्लान बना दिया। ये पवनदास तुम्हारा असली बाप तो है नहीं, गोद लिया तुम्हें। जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक हमारी शादी नहीं होने देगा, लेकिन अगर ये मर गया तो पैसा जायदाद और मैं सब तुम्हारा। और जरा ये सोचो कब तुम्हारे बाप का दिमाग फिर जाए और कब वो सारी दौलत विनय के नाम कर दे, फिर क्या करोगी? ना पवनदास जिंदा रहेगा ना तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल आएगी। ठीक है, मैं तैयार हूं। जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया था तो तुमने सीआईडी को क्यों नहीं बताया? क्या बताता मैं आकर? कौन विश्वास करता मेरा इससे पहले कि भैया की जान खतरे में पड़ती?
मैंने ही मोनिका को किडनैप करवाया और मैंने ही प्लान बनवाया कि मैं मोनिका के हाथों से संदीप का मर्डर करवाऊंगा और इनको उनके किए की सजा दिलवाऊंगा। जब तुम मुझे मारना ही चाहते थे तो तुमने उस लॉरी से एक्सीडेंट में मुझे बचाया क्यों? पुलिस थी वहां पर और आपने वो लॉरी के ड्राइवर को भी देख लिया था, इसलिए प्लान चेंज करना पड़ा। अच्छे काम को गलत तरीके से अंजाम तक पहुंचाना, ये कहां की समझदारी है संदीप जी? हा? कानून हाथ में लेना गुनाह है। संदीप और मोनिका को तो उनके किए की सजा मिलेगी, लेकिन गुड्डू के खून और मोनिका की किडनैपिंग में आपको भी जेल जाना होगा। अब कानूनी फैसला करेगा आप तीनों के साथ क्या हो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।